तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल की सैमसंग गैलेक्सी की सेटिंग्स बताने वाला हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने कैमरा सेटिंग्स के, बोल सकते हैं सैमसंग का जो कैमरा ऐप होता है ना उसकी सेटिंग की बताने वाला हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से, कि मैं किस लेवल पर अपने मोबाइल में फोटोग्राफी करता हूँ और किस लेवल में उससे फोटोज लेता हूँ। तो सारी सेटिंग आपको बताने वाला हूँ, कैमरा सेटिंग्स क्या ये सेटिंग्स है, कैसे मिलेंगी, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर ही फॉलो कर लें। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कैमरा सेटिंग की कमाल, मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग कैमरा की बिल्कुल जीरो लेवल से सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो कि मैं अपने मोबाइल में यूज़ करके फोटोग्राफी के लिए यूज़ करता हूँ। तो पहले मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखा देता हूँ जो कि मैंने अपने मोबाइल में सेटिंग्स करने के बाद खींची हुई है। ये फोटो आप देख सकते हैं, ये मैंने खींची है लगभग, आप टाइम देखेंगे 6:25 पे खींची है, और इस टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पर सनसेट बिल्कुल लो लेवल पर होने वाला था, बिल्कुल लाइटिंग कम थी। उसके बाद आप मेरी फोटोज़ देख सकते हैं कितनी शानदार यहाँ पर फोटोज़ आई हैं। ये आफ्टरनून की फोटोज़ आप देख रहे होंगे, ये कितनी शानदार, मतलब जो क्वालिटी है ना वो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। देख सकते हैं ये फोटोग्राफी की, मैं आपको यहाँ पर वो बताना चाह रहा हूँ कि इसकी फोटो की क्वालिटी कितनी शानदार आ रही, पूरे कलर्स कितने इन्हांस हो रहे हैं। तो ऐसे ही मैं आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गया कैमरे पर। कैमरे पर आने के बाद मैं कर देता हूँ पहले तो उसको रीसेट, ताकि आप बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पर सीख पाए। तो मैंने अपने मोबाइल की जो भी सेटिंग थी सारी सेटिंग को यहाँ पर कर दिया रीसेट, बिल्कुल ज़ीरो से आ गया हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ बता दूँ। तो सबसे पहले आपको कर लेना है यहाँ पर, मैं 12 मेगापिक्सल पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर 12 मेगापिक्सल यूज़ कर लेना है। यहाँ पर 3x4 की जगह आपको 9x6 का यूज़ कर लेना है, जिससे अच्छी खासी फ़ोटोज़ आपको पूरा प्रीव्यू दिख जाता है। उसके बाद आपको मोशन यहाँ पर, ये एक तरीके का लाइव, जैसे अगर आपने एक तरीके का अगर आपने अपने मोबाइल आईफोन यूज़ करा हो तो आईफोन में लाइव फोटोज़ का ऑप्शन होता है, सेम उस तरीके का होता है पर बहुत ज़्यादा स्टोरेज खाता है। तो अगर अननेसेसरी हो तो चालू करो, नहीं तो नहीं करो, तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा फ़िल्टर का, तो आप यहाँ पर अगर फेस फ़िल्टर करेंगे ना तो फेस पर फ़िल्टर आना चालू हो जाएगा और फेस की क्वालिटी चालू हो जाएगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो आप इसको ऑफ़ कर देना, ज़्यादा बेटर है, और ना ही कि कोई फ़िल्टर लगाया था, नॉर्मल मैंने इस तरीके से यहाँ पर फ़ोटो की कैमरे की सेटिंग कर रखी थी। और मेन है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट पे आएंगे तो पोर्ट्रेट में मैंने यहाँ पर उसको 2x पे कर रखा था, परमानेंट 2x पे था, 9x6 का रेशियो था, और यहाँ पर आपका ये फेस फिल्टर ऑफ ही था, स्मूथनेस बिल्कुल जीरो पे मैंने यहाँ पर खींची थी। तो ये आपको ऑन कर लेना है, इस सेटिंग्स में आपको खींचना है। और अगर आप वीडियोस रिकॉर्डिंग करते हैं तो वीडियोस के लिए आपको 9x6 कर लेना है। यहाँ पर फ्रेम रेट, यहाँ पर आपको फिक्स HD का अल्ट्रा HD, अगर आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, बाकी बेस्ट अल्ट्रा HD तक आप यहाँ पर अच्छा खासा ले सकते हैं, तो अल्ट्रा HD को कर लीजिएगा, तो ये सबसे बेस्ट आएगी। उसके बाद यहाँ पर आएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको ऑटो FPS पे 30 पे ही कर देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। वीडियो स्टेबलाइजेशन को ऑन कर देना है कैमरे, एक मिनट। यहाँ पर आना है आपको सेटिंग्स पे, सेटिंग्स में आने है सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट, तो इसको भी ऑन कर लेना है। ये फीचर इसलिए काम करेगा जब भी आप अपने मोबाइल कैमरे से किसी मान लो किसी लेटर की या कोई एप्लीकेशन की या कोई चीज़ लिखी हुई है टेक्स्ट की, उसका वहाँ पर कुछ क्लिक करते हैं तो वो आपको रीड करके बता देगा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, आप उसको कॉपी पेस्ट या कहीं भी अच्छे से उसको मतलब कैप्चर कर सकते हैं, ताकि वो आप कहीं भी उसको स्कैन के रूप में कहीं भी सेंड आउट कर सकें। तो स्कैन QR कोड अगर करना चाहते हैं तो वो आप अलाउड कर दें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत इजीली काम हो जाता है। उसके बाद आता है शॉट सजेशन, ये क्या काम करता है, गेट ऑन स्क्रीन गाइड टू हेल्प यू लाइन अप योर ग्रेट शॉट्स, मतलब कि अगर आप इसको ऑन कर देंगे ना तो ये आपको खुद ही गाइड कर देगा, भैया आप इस लेवल में खींचो तो आपकी फ़ोटो सही आएगी, आपने कभी यूज़ कराओ तो आप देखिएगा। और ये नेचुरल में ही वॉर्म में करेंगे, नेचुरल या वॉर्म जोन सा भी आप करना चाहें ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है शॉर्ट सजेशन, वो आपको बता देगा कि आप इस एंगल में फ़ोटो खींचो आपकी फ़ोटो काफ़ी अच्छी आने वाली, तो आप उसको भी ऑन कर सकते हैं। साथ में एक और नया ऑप्शन दे दिया गया इंटेलिजेंट मैक्सिमाइजेशन, तो क्वालिटी को अच्छा इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर ये आपको दे दिया गया है, ताकि वो क्वालिटी को इम्प्रूव कर रखे, तो इसको भी आपको मैक्सिमाइज कर देना है। और अगर और अच्छी फ़ोटो आपको चाहते हैं तो AI की मदद से वो फ़ोटो को और अच्छा विविड लॉक, उसके अंदर ब्राइटनेस, उसकी डार्कनेस, उसकी कंट्रास्ट, वो सबको और अच्छे से यहाँ पर कर देगा, तो उसको भी यहाँ पर ऑन कर लेना है। साथ में वाटरमार्क, मेरे को नहीं लगता वाटरमार्क देना चाहिए, अगर आपको लगता है वाटरमार्क देना है तो आप ऑन कर सकते हैं, बाकी मैं अपनी तरफ से वाटरमार्क नहीं लगाता हूँ फ़ोटो में, बिकॉज कभी क्या होता है हम कहीं फ़ोटो ऐसी जगह शेयर करते हैं तो वाटरमार्क अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा,
बेकार सा लगता है, तो वाटरमार्क आप हटा दें। कभी किसी दूसरे की फोटो खींच रहे हो तो जरूर वाटरमार्क लगा दें, ताकि आप उसको पता लगे भैया ये फोटो हमने खींची और हमारे मोबाइल से खींची हुई है। तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर, आप टैग बस वही कर सकते हैं। शूट के लिए आप यहाँ पर टैग्स बस फोटो भी, और ये कोई मतलब का नहीं ज़्यादा। एडवांस पिक्चर में आएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको स्किप कर लेना हाई फ्रीक्वेंसी पिक्चर पे। तो ये क्या होगा, जब भी आप अपने मोबाइल में कोई फोटो क्लिक करेंगे ना, वो HEIF फॉर्मेट में सेव होगी, हाई एफिशिएंसी पिक्चर्स। तो ये क्या रहेगी, इसके पिक्सल विक्सल सब बराबर रहेंगे, सब इसकी फोटो की क्वालिटी सब बिल्कुल सेम रहेगी, नॉर्मल JPEG जैसी। बट ये क्या करेगा, कंप्रेस होकर सेव होगी और आपके मोबाइल की जो स्टोरेज है ना कम खाएगा। तो आपको इसको हाई एफिशिएंसी पे सेट कर देना है। उसके बाद सेल्फी प्रीव्यू, ये आप यहाँ पर प्रीव्यू में करेंगे तो ज़्यादा अच्छी फोटो आपको दिखेगी सेल्फी में। जब भी लेंगे, स्वाइप डाउन करने का, स्विच करने का ऑप्शन है, आप डाउन कैमरा करना चाहता हूँ उसको ऑन कर लेना। अब ये सब कुछ हो गया, और वीडियो क्वालिटी के लिए आप यहाँ पर ये चीज़ कर दे, साथ में आप ट्रैकिंग ऑटो फोकस को ऑन कर देना। इससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक आपको गाइड करता रहेगा कि आपने मतलब फेस को ट्रैक करता रहेगा। अब ये हो गया यहाँ पर, अब मुझे फ्रंट में आना है तो मैं सिंपल यहाँ से यूँ करूँगा तो फ्रंट में आ जाऊँगा, यहाँ से ऊपर करूँगा तो बैक में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर आप फ्रंट क्लिक करेंगे, फ्रंट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसकी प्रीव्यू आपको ऐसा यहाँ पर दिखने वाला है, एज इट इज बिल्कुल सेम आने वाला है। तो ये थी मेरे मोबाइल की जो कैमरा सेटिंग जो मैंने अपने मोबाइल में कर रखी है, और इससे आप फोटो क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है। इसी सेटिंग से, ज़्यादा मैंने डीपली नहीं करी हुई, नॉर्मल सेटिंग से ही मैं फोटोज़ को क्लिक कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा मुझे वहाँ पर एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो आप इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि कुछ मेरी सेटिंग से कमी थी तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड, या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच।